नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। तो दोस्तों, आज दिवाली है, तो सबसे पहले विश यू अ हैप्पी दिवाली। खूब इंजॉय करिए, लाइट जलाइए, पटाखे दगाइए और मिठाइयां खाइए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही खास है। आज मैं आपको बताऊंगा सर्वो और नॉन सर्वो, मतलब कि जो सर्वो मोटर है और नॉन सर्वो मोटर, उसके बीच में हम विजुअली मतलब देख के डिफरेंस कैसे हमें पता चलता है। मैं दिखाऊंगा कि सर्वो मोटर और नॉन सर्वो मोटर, मतलब सर्वो मोटर वर्क कैसे करता है, मतलब कि जैसे उसका फंक्शन होता है कि चलते चलते रुकना, फिर नेक्स्ट फेज के लिए फिर से उस हिसाब से रोटेशन करना। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो सर्वो मैकेनिज्म है ये किस तरीके से फॉलो हो रहा है, कि सर्वो मोटर कैसे रोटेट हो रहा है। इसके बाद जब आगे वीडियोज आएंगी, अपकमिंग वीडियोज, उसमें मैं आपको बकायदा बोर्ड पे समझाऊंगा कि सर्वो मोटर किस किस मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, कैसे इसको फंक्शन दिया जाता है। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत खास है, क्योंकि पूरे YouTube पे आज तक ऐसा वीडियो नहीं मिला है कि आपको दिखाया गया हो कि देख के ये आप पता कर लो कि ये सर्वो मोटर है या नॉन सर्वो मोटर। बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं मालूम होता कि मशीन में मोटर कौन सी लगी, सर्वो लगी या नॉन सर्वो लगी। तो मैं कोशिश किया हूं कि मैं आपको दिखा सकूं कि आप देख के ही विजुलाइज करके अपने विजुअल से ही आपको पता चल जाए कि सर्वो है या नॉन सर्वो है। तो दोस्तों, उसके अलावा मैं पहले भी आपको मशीन स्पेसिफिकेशन में बता चुका हूं कि सर्वो मोटर के क्या फ़ायदे हैं। सर्वो मोटर इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है रेदर देन नॉन सर्वो मोटर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, आपको प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें जानने के आप इच्छुक हैं, आपको डिजायर है, आप जानना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाइए और उसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि तभी हम वीडियो डालेंगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचेगा। वरना नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, वीडियो डालते चले जाएंगे, बहुत सारी वीडियो जाएगी, आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, चलता हूं मैं, नमस्कार, जय हिंद, एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हो ये है सर्वो मोटर। इस मोटर को हम कहते हैं सर्वो मोटर। आप मोटर देख के समझ जाओगे कि ये मोटर सर्वो है या नॉन सर्वो है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो मोटर चल रही है ये सर्वो मोटर है। इसको मैंने ओपन करके दिखाया ताकि आप देख सको और समझ सको। देखिए, आप मोटर रोटेट होते होते रुकेगी, मतलब मोटर अभी रोटेट हो रही, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हल्का सा रुकेगी और फिर वो चलती रहती। तो इसमें क्या होता है, पावर कंज्यूम हो जाता, ना कि रेदर देन कंटिन्यूस जो कि नॉन सर्वो में होता है, वो कंटिन्यू मोटर चलेगी और इसमें थोड़ा सा रुकेगी फिर चलेगी, रुकेगी फिर चलेगी, मतलब जब प्रोसेस आएगा जो उस हिसाब से मोटर उतने पावर पे रन करेगी। जैसे कि इंजेक्शन पे हमें इतना आरपीएम, इतना हाई प्रेशर देके मोटर को इतना रोटेशन पर मिनट चलाना है, तो वो उस हिसाब से उस प्रोसेस पे उतना रोटेट करेगी। तो ये ड्राइव सिस्टम पे होता है, यहाँ पे हम फीड कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत हम सर्वो पे भी, नॉन सर्वो पे भी कर लेते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं होता उस पे भी। आप यहाँ पे देखिए कि सर्वो मेन जो रीज़न होता है सर्वो का, वो पावर कंजम्पशन होता है। देखिए, अभी मोटर रुक गई, अभी जैसे डिले टाइम चल रहा था हमारा, डिले हमने 2-3 सेकंड जो भी दे रखा, तो उतने देर पे क्या होगा कि हमारी नॉन सर्वो मोटर जो होगी वो चलती रहेगी, और यहाँ पे आप सर्वो देख रहे हो तो सर्वो क्या होगा, रुक जाएगी। तो वापस जब नेक्स्ट स्टेज पे आता है तो फिर हमारे मोटर रोटेट होने लगता है। ये इकलौती वीडियो है, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि आप देख लीजिए सर्वो मोटर क्यों पावर कंज्यूम करता है, कैसे बिजली बचा पाता है, क्यों हम सर्वो लगाते हैं, और अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें थोड़ा बहुत बचानी हो उसके लिए सर्वो क्यों बेनिफिशियल है। सर्वो की मशीन थोड़ा कॉस्टली होती हैं, क्योंकि अगर आप बाद में भी मशीनों में नॉन सर्वो से सर्वो कराना चाहें तो 1-1.5 लाख का खर्चा आता है, उसमें सर्वो 1.5 लाख में कंप्लीट हो जाता है। ये है हमारी नॉन सर्वो मोटर। आप इस मोटर को देखेंगे नॉन सर्वो है, क्योंकि ये इस पर क्या है, ड्राइव सिस्टम पे ये पूरी तरीके से वर्क नहीं करती और इस पर कंप्लीट कमांडिंग हम नहीं दे पाते जैसा कि सर्वो में है। इसके जो फैन है वो रोटेट करते रहते हैं, रोटेशन कंटिन्यू रहता है इसमें। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे फैन है सिंपल मोटर, तो ये रोटेशन होता रहता ही। तो इसमें खास बात ये है कि इसमें भी जब जिस हिसाब से पावर की ज़रूरत पड़ती उस हिसाब से मोटर भी हाई आरपीएम जनरेट करती। फॉर एग्जांपल, इंजेक्शन पे हमें इतना देना था तो इंजेक्शन पे वो उस हिसाब से ही रोटेशन कंटिन्यू रहता, पर पावर जो उठाती है वो उसी टाइम उठाएगा। तो थोड़ा सा जो बिजली का, जो इलेक्ट्रिसिटी
कंजप्शन है वो हल्का सा इसमें ज़्यादा होता है, बहुत खास डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक।